वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक एसएससी मैथ्स यानी कि एसएससी के क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, जिसमें आपके एसएससी के सभी फॉर्मेट के सीजीएल, सीपीयू, एलडीसी 10+2, एमटीएस, एसएससी जीडी सभी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जल्दी और भी एग्जाम के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ज्यामिति से, ज्योमेट्री से है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की बात करिए तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एबीसीडी, इस तरीके से मैं एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लेता हूं और चक्रीय मतलब उसके बाहर देखिए इस तरीके से आपका एक क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी, ठीक है, और इसकी जो भुजाएं हैं ए बी और डी सी, तो देखिए ए बी भुजा ये है और डी सी क्या है आपकी, ये है। तो अगर मैं इन्हें आगे बढ़ाता हूं तो ये आपकी कहां मिलती है, ई पॉइंट पे मिलती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ए डी ई एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन, भुजा ए डी, ठीक है, और बी सी, ए डी और बी सी, अगर मैं इन्हें बढ़ाता हूं इस तरीके से तो ये कहीं यहां मिलती है ऊपर आपका। ठीक है, इस तरीके से, तो ये ट्रायंगल बन गया पूरा इस तरीके से। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा फिगर वैसे बन रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपका एफ पे मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए डी सी, ए डी सी एंगल है आपका 78, ठीक है, डिग्री। आगे कह रहा है कि एंगल बी ई सी, बी कहां पे, बी ई और सी इस तरीके से, तो ये आपका 52 है। तो पूछा है आपसे ए एफ बी की वैल्यू पूछा, ए एफ बी ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, ए एफ बी ये जो बन रहा है इस तरीके से, तो देखिए इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं चक्रीय चतुर्भुज की। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं अलग से बना लेता हूं चक्रीय चतुर्भुज आपका इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और ए बी सी और डी, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका सम होता है 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल होता है 180 डिग्री। अब हम इस 180 जो कोण आ रहा है योग, इसी का यूज करेंगे। तो देखिए अगर मैं ट्राइंगल आपका ए डी ई की बात करूं, ए डी और ये जो कंप्लीट बन रहा है इस तरीके से, तो ये दो एंगल क्या है आपके 78 और 52, ऐड होकर कितना हो जाएगा ये आपका 0, 7 5 12 130 हो जाएगा। तो देखिए ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का, ये 180 होता है, उसमें से अगर 130 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 50, तो यानी कि एंगल ए आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर एंगल डी है तो बी कितना होगा, डी और बी कितना होता है 180, यानी कि 180 में से अगर मैं 78 माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा 102, तो एंगल बी मिल जाएगा आपको 102। अब ट्राइंगल जो ये बना हुआ है इस तरीके से ए एफ बी की हम बात करते हैं, तो इसमें आपसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ए क्या है 50 डिग्री, बी क्या है आपका 102। तो देखिए तीसरा एंगल निकालना, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा आपका 152 आ जाएगा, 152, तो 152 को हम 180 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहां पे 8 आएगा और ये आपका आएगा 7 यानी कि 2, तो 28 आएगा आपका 28 एंगल एफ। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल ए एफ बी की वैल्यू वो 28 डिग्री आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 28 डिग्री होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।